हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रिया अर्पूस किचन में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने स्वीट कॉर्न तो बहुत खाए होंगे, बहुत तरीके से खाए होंगे, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ ऐसा आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप बॉयल किया हुआ स्वीट कॉर्न। आप इसे अच्छे से बॉयल कर लें और उसके बाद इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक मिक्सिंग जार में और इसे हम 1 से 2 बार ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे चॉपर में चॉप कर सकते हैं, हमें बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करना है, हमें बस रफली इसे ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे बहुत ग्राइंड नहीं किया है बहुत ज़्यादा, और इसमें हमें पानी भी नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही हमें इसे ग्राइंड कर लेना है रफली। और इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। फ्रेंड्स, अगर आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई करी तो यकीन मानिए आप ये हमेशा बना के अपने घर में खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे 1 बाउल बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज अब अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा प्याज ही अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने लिया है 4 से 5 हरी मिर्च, जिसे मैंने कट कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ हम डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। आप इसे कूट के या फिर पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, और 1/2 चम्मच ही हम डाल देंगे इसमें पाव भाजी मसाला, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, और इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता। और फ्रेंड्स, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो हमने मसाले डाले हैं, पाव भाजी मसाला और चाट मसाला पाउडर, इससे बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार होता है। तो चलिए अब हम गूंथ लेते हैं इसके लिए आटा। यहाँ मैंने आटा लिया है 1.5 कप, और इसी में हम डाल देंगे 1/2 कप मैदा। आप चाहें तो इसे पूरा मैदा में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए आटा और मैदा मिक्स कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, और 2 चम्मच दही डाल देंगे। उसके बाद इसमें भी हम डाल देंगे हरा धनिया पत्ता। उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड, अब हम इसका डो बना लेंगे। हमें पानी इकट्ठे ज़्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा एक टाइट डो बना के तैयार करेंगे। हमें इसका डो लूज़ नहीं बनाना है। ये देखिए, हमारा डो बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। ये हमने थोड़ा टाइट ही डो बनाया है। डो जितना अच्छा टाइट रहेगा फ्रेंड, उतना ही अच्छा क्रिस्पी हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा। ये देखिए, यहाँ मैंने पेड़े के आकार का आटा ले लिया है, बहुत थोड़ा सा, और उसे हम ऐसे प्रेस करते हुए बीच में दबाते जाएंगे, और इसे हमें थोड़ा दबाते हुए पतला कर लेना है। उसके बाद इसके बीच में हम भर लेंगे अपनी स्टफिंग। स्टफिंग को आप थोड़ा ज़्यादा भी भर सकते हैं, ये आराम से बंद हो जाता है। और इसके साइड्स को हम थोड़ा पतला कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसे दबाते हुए और इसे अच्छे से चारों तरफ से इकट्ठा करके हम इसका एक बॉल शेप देंगे। ये देखिए, बहुत ही ईजिली बन जाता है, जैसे हम आलू का पराठा वगैरह बनाते हैं वैसे ही बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने एक स्टफिंग बना के तैयार कर लिए भर के, और उसके बाद अब हम बनाएंगे अपने बाकी के बॉल्स। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सेम प्रोसेस किया है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल नई और बहुत ही अच्छी लगती है, चटपटी सी। तो आप इसे बारिश के मौसम में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर देखिएगा कितना अच्छा है, इसका टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ऐसे ही हम बाकी के सारे बॉल्स भी बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं, और अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते हुए चपटा कर लेंगे, जैसे हम कचौड़ियाँ बनाते हैं वैसे। ये देखिए, ऐसे ही हमें प्रेस करके थोड़ा सा इसे बस चपटा कर लेना है, और इसी तरह बाकी को भी हम चपटे कर लेंगे ऐसे अच्छे से। और फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में ले लिया है 1 कप ऑयल। फ्रेंड्स, हमें कचौड़ियों को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो जब तेल गर्म हो जाए, उसके बाद हम सारी कचौड़ियों को डाल देंगे जितना तेल में आ सके, और उसके बाद हम इसे पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, शुरू में हम फ्लेम को हाई रखेंगे, जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे आराम से, तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हो। ये देखिए, हमारी कचौड़ियाँ फूल भी गई हैं। तो चलिए, इसे हम अब निकाल लेंगे एक प्लेट पे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरीके से कचौड़ियाँ बनाई तो यकीन मानिए बच्चे आपके बहुत पसंद करेंगे और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सारे कचौड़ियों को निकाल लिया है और बाकी की कचौड़ियाँ भी हम ऐसे ही तल के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम बाकी के कचौड़ी भी इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और चलिए अब हम इसे सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। चलिए, यहाँ मैंने इसे सर्व कर लिया है दही और तंदूरी मेयो के साथ में। आप चाहें तो इसे चाय के साथ या फिर कोई भी सब्जी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना लाजवाब सा बन के तैयार हुआ है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सा, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा फूला फूला हमारा कचौड़ी बन के तैयार हो गया है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, अगर ये आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।